हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे लेकर के आई हूँ ये वाला डोरमेट का डिज़ाइन। तो आज मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि आज मैं बताने जा रही हूँ आपको। तो ये वाले मैट को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, तो मुझे एक रिक्वेस्ट आई कि मैं इसको फिर से बताऊँ, स्टार्टिंग से बताऊँ, क्योंकि मैंने इससे पहले बताया था। तो मैंने यहाँ पर जो मेरी थी कि कुछ कलियाँ मैंने बना ली थी, शायद मुझे याद नहीं, 5-6 कलियाँ मैंने बनाने के बाद ही फिर वहाँ से आपको आगे से मैंने दिखाया था। तो आज मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से फंदे डालते हुए बताऊँगी, क्योंकि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है तो उनकी रिक्वेस्ट आई है कि मैं शुरू से इसको बताऊं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने फैमिली मेम्बर से सब्सक्राइब कराइएगा और ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, को बनाने के क्या करना होगा, आपको यहाँ पर लेना होगा 2 कलर का ऊन। ये देखिए मैंने येलो और ये पिंक लिया है, और यहाँ पर 9 नंबर की जो है आपको सिलाई चाहिए स्वेटर बुनने वाली। तो बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन है और बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम फंदे लेंगे अपने पिंक कलर से, जो यहाँ पे हमारे बीच में कलर लगा है फंदे इसी से हमें डालना है। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसा करते हुए 28 फंदे के लिए हम उनको ले लेंगे, और यहाँ पे कैसे नॉट लगा देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, ध्यान से बस आप एक बार देखिएगा। ये देखिए नॉट लगाने के बाद यहाँ से आपको फंदे डालने हैं। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6। तो फ्रेंड्स ऐसे करते हुए आपको टोटल यहाँ पे अपने 28 फंदे डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं टोटल 28 फंदे डाल लेती हूँ अपने सिलाई में, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है और फंदे का हिसाब कैसे हाफ अप करना है। 2 के जोड़े में आपको फंदे रखने हैं इसमें, ठीक है। फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमने जो है अपने टोटल 28 फंदे डाल लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फंदों को डिवाइड आपको कैसे करना होगा, कैसे आपको फंदों को समझना होगा कि हम कितना डालें कैसे डालें। तो देखिए 2 के जोड़े में तो फंदे रखने ही रखने हैं आपको, ये मैंने पहले ही बता दिया। और फंदे ऐसे रखने हैं कि जिनको हाफ अप करने पर भी 2 के जोड़े में और बराबर आए, ठीक है। जैसे 14 का आधा होता है 28, तो देखिए 14 हमारा इधर, 14 इधर, ऐसे करके हम नाप लेंगे, ठीक है। आपको फंदे ऐसे ही अपने डिवाइड करने होंगे। अगर हम 24 फंदे डालेंगे तो 12 और 12, तो दोनों ही देखिए जो 2 के जोड़े में आ रहा है। 32 फंदे से भी सेम ऐसे ही बनेगा 16 16, 40 फंदों का भी ऐसे ही बनेगा 20 20, ठीक है। ऐसे करते हुए आपको फंदों को डिवाइड करना अपना। अब देखिए यहां से क्या करना है, अब यहां से इसको हम बनाएंगे। तो ये देखिए यहां से स्टार्टिंग से ही मैं आपको दिखा रही हूं करना क्या है। तो यहां पे 28 फंदे हमने ले लिए हैं, और बहुत ही सिंपल सी डिजाइन है, बस आपको एक बार ध्यान देना है और ध्यान से देखिएगा आप कैसे बनता है। यहाँ से आपको पहली सिलाई, चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे बनाना। आप वीडियो को फास्ट करके भगा भगा देखेंगे ना तो नहीं बना पाएंगे आप। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने सारे एक सिलाई फंदों को बना लिया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब हमें यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, अब हमारी डिजाइन जो है अब स्टार्ट होने लगेगी। तो यहाँ से देखिए 1 2 2 फंदे हमने बगैर बुने ऐसे उतार लिया, ठीक है। 2 फंदे, तो 2 फंदे उतार लिए हमने। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो जैसे है उसको ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे ये ऐसे ही बनेगा हमारा। ये देखिए 2 फंदे हमने यहाँ पे बगैर बुने उतारे, और 2 फंदे यहाँ पे हमें छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ के फंदे हम 2 फंदे छोड़ देंगे, अब यहीं से हो जाएंगे वापस। अब फिर यहाँ से इसको उतार लेंगे ये वाला फंदा, एक फंदा, ठीक है। और फंदा क्यों उतारते हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने उस साइड से तो बनाया ही था, और फिर जब इधर आए तो इधर से उतार लेंगे। अगर बना देंगे ना तो फिर जब हम दूसरी सिलाई फिर उधर से बनाएंगे ना तो जाली आने लगती है, इसलिए उतार लेते हैं उसको। अगर आप बना रहे हैं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और उतार लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब यहाँ से देखिए हमने इधर से 2 फंदे छोड़ दिए, और इस साइड से हमने 2 फंदे स्लिप कराए थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 फंदे स्लिप करा लिए थे, आपको याद है, ठीक। बस पहली बार स्लिप कराएंगे, उसके बाद अब हम यहाँ से भी 2-2 फंदे छोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हमने 2 फंदे छोड़ दिए, और यहाँ पे भी 2 फंदे हमने छोड़ दिए थे, ठीक है। अब यहीं से वापस हो जाएंगे, और यहाँ से फिर से इसको उतारते हुए बनाएंगे। तो अब हमें दोनों साइड से 2-2 करके फंदों को छोड़ना है, जब तक कि हमारे सारे फंदे छूट ना जाएँ।
तो ये देखिए यहाँ पे हमने फिर दो फंदे छोड़ दिए, ठीक है। फिर यहाँ से वापस और यहाँ से यहाँ से जो जैसे है उसको बनाते हुए फिर से यहाँ पे हम दो फंदे जो हैं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने फिर से ये वाले दो फंदे छोड़ दिए, ठीक है। तो देखिए दो दो चार दो छः, छः फंदे यहाँ छूट गए और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे चार फंदे हैं, दो दो चार। अब इधर आएंगे तो यहाँ पर भी दो फंदे छूट जाएंगे, ठीक है। तो दोनों साइड ही बराबर चलेगा, तो यहाँ पर आपको दोनों साइड से करके फ्रेंड दो दो फंदे छोड़ते जाना है हर बार। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये वाला दो फंदा छोड़ दिया, देखिए यहाँ पे भी दो दो चार दो छः, छः फंदे अभी हो गए। फिर यहाँ से वापस और फिर से बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन है और बहुत अच्छी डिज़ाइन है, बस आपको एक बार पूरा बनाना है इसको। ये देखिए फिर से हमने यहाँ पे दो फंदे छोड़ दिए, यहीं से वापस हो जाएंगे। ये देखिए फिर से हमने यहाँ पे दो फंदे छोड़ दिए, फिर से यहाँ पे वापस। देखिए यहाँ पे फिर से हमने दो फंदे छोड़ दिए, फिर से यहाँ पे हो जाएंगे वापस। देखिए वहाँ पे कितने फंदे हैं, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ फंदे। फिर दो फंदे छोड़ दिए, फिर यहाँ से वापस हो जाएंगे। अब देखिए दो तीन चार पाँच छः, दो फंदे यहाँ छोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पे बस आपको करना कुछ नहीं, बस दो दो फंदे आपको छोड़ते जाना। अब देखिए एक दो तीन चार, चार फंदे बनाए, दो फंदे यहाँ छोड़ दिए, फिर से घूम जाएंगे। एक दो, दो फंदे बना लिए, दो फंदे यहाँ छोड़ दिए। तो अब देखिए अब यहाँ पर काउंट कीजिए दो दो के जोड़े, ठीक है। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात दूनी चौदह। और यहाँ पे भी देख लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात दूनी चौदह। तो देखिए यहाँ पे चौदह फंदे जो है हमारे बराबर हैं, इधर भी और इधर भी। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से, ठीक है, अब जैसे हमने दो दो करके फंदों को छोड़ा है वैसे हमें दो दो फंदे वापस लेते चलना है। लेकिन अभी यहाँ पर हमने जस्ट ये वाला फंदा छोड़ा, तो यहाँ से इसको घूम जाएंगे और यहाँ से देखिए ये दो हो गया। अब ये दो फंदा हम उतार लेंगे, एक दो, ठीक है, ले लिया। फिर से यहाँ पे वापस, अब इसको इधर से उतारा। अभी देखिए हमारे यहाँ पे चार फंदे हो गए, ठीक है। अब ये दो फंदे लेंगे, गैप है तो गैप के लिए एक फंदा ऐसा करके उठा लीजिएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे दो का एक कर दीजिएगा इन्हीं फंदों में से, ठीक है। ये देखिए हो गया, फिर से यहाँ से वापस, दो तीन चार पाँच छः, दो फंदे यहाँ से लेना है, फिर से गैप है, सात एक आठ, आठ फंदा हो गया, फिर से वापस। तो यहाँ पे ये आपको ऐसे करते हुए फंदों को उतारना है, अपने सारे फंदों को जो हमने छोड़ करके रखे हैं दो दो करके, दोनों साइड से फंदों को लेना है। फिर ये हो गया, अब फिर से ये दो फंदा लेना है तो गैप है, तो फिर से यहाँ से उठा लेंगे और इसको ऐसे बना लेंगे, एक दो, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे करते हुए आपको दोनों साइड से दो दो फंदे उठाते जाना, और यहाँ पे ये थोड़ी सी कटोरी जैसे बन जाएगी, तो आप उसे घबराइएगा मत, वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं, लास्ट में दो दो फंदे छूटते हैं हमारे, तब मैं आपको बताती हूँ क्या करना। बाकी ऐसे दो दो करके उतार लीजिए फंदों को, जैसे अभी मैं उतार रही थी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने सारे फंदों को बना लिया, अब हमारे पास दो फंदे इधर हैं और दो फंदे यहाँ छूट गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मतलब दो ये और बस ये लास्ट वाले फंदे उतारने, बाकी सारे फंदों को हमने देखिए बना लिया, और ये देखिए कटोरी जैसा बन गया है ना, तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा। बाकी देखिए चलिए अब ये लास्ट के जो दो दो फंदे हैं इनको भी हम उतार लेते हैं। तो जो कटोरी बना है इसे आपको घबराना नहीं, इसे कोई दिक्कत नहीं, अभी ये सही हो जाएगा जब येलो वाली पत्ती बनेगी इसकी, ठीक है।
ये हो गया। अब ये दो फंदा उतारना है, तो इसको एक फंदा ऐसे उठा लेंगे, ये फंदे जो है धो के, ये दो उतर गए यहाँ पे, ठीक है। गैप को जरूर भर लीजिएगा। अब एक फंदा हमारा यहाँ लास्ट वाला, दो फंदा एक के जोड़े ये बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ से उतार लेते हैं, जो जैसे इसको ऐसे बनाते हैं, आप इसे बड़े से बड़े फंदे में बनाएंगे तो काफ़ी बड़ा बन के आएगा ये, और छोटे फंदे में बनाएंगे तो छोटा बन के आएगा, लेकिन डिज़ाइन जो है बहुत ही प्यारी है। साड़ी से भी बना सकते हैं इसको आप, अगर आपके पास साड़ी है तो डोरमैट के लिए अच्छा यूज़ है इसका, आप बना करके यूज़ कीजिए, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है ये। तो ये देखिए हो गया। अब ये देखिए दो फंदे ये जो बचे हैं इनको भी लेना है, तो एक फंदा उठा के दो का एक कर देंगे, ये देखिए, और ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे सारे फंदे जो हैं दो दो के जोड़े में बन चुके हैं, ठीक है। ये देखिए सब फंदे बन चुके हैं। और अब देखिए, अब यहाँ से क्या करना है, अब आपको यहाँ से चेंज करना है, तो आपको एक येलो कलर का नॉट लगा लेना है, मैंने पहले से लगा के रखा है अपने सिलाई ऊन में, ये देखिए पहले से एक धागा लगा लिया, इसी में आपको नॉट लगा लेना। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ से अब हमें पिंक कलर का काम नहीं है, अब हमारा जो काम है वो येलो कलर का है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम सारे फंदों को येलो कलर से बनाएंगे, पिंक कलर यहीं पर रहेगा हमारा। तो देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 फंदे देखिए यहाँ पे हमने बना लिए, और यहीं से हो जाएंगे वापस, ठीक है। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12, 14, ठीक। और यहाँ से इसको बना लेते हैं पहली बार। अब देखिए, अब पिंक कलर का काम नहीं है, आपको पिंक कलर का ऊन जो है काटना भी नहीं है, जो जहाँ पड़ा है वहीं पर रहने दीजिए उसको, क्योंकि जब दूसरी कली बनाएंगे तो फिर से हम पिंक कलर को लेना होगा हमें, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा आपको जो जैसे है वैसे बनाते जाना है। अब ऊन को पीछे करके ये वाला फंदा सीधा बनाएंगे, ठीक है, ये ऊपर साइड, फिर से वापस। अब देखिए यहाँ पे हमें कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, आपको ये लग रहा होगा ये बढ़ा हुआ, लेकिन ये फंदा बढ़ा हुआ नहीं है, जब आप भी ऐसे बनाएंगे तो बनेगा। तो देखिए हमने फंदा उतार लिया पहला वाला, क्योंकि हमने सीधी साइड से बनाया था, और यहाँ से जो जैसे है उसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से भी कुछ नहीं है, जो जैसे है बिल्कुल वैसे बना लीजिए, ये देखिए बना लिया। एक फंदा यहाँ पर बगैर बुना छोड़ देंगे, फिर यहीं से हो जाएंगे वापस, और यहाँ से फिर से जो जैसे है, ये हो गया। अब इसको पीछे करके ये वाला फंदा जो है इसको सीधा बना लेंगे, ठीक है। फिर से आएंगे अपने उल्टी साइड इधर, देखिए अब इसको इधर से उतार लेंगे, क्योंकि हमने उधर से सीधा बनाया था, और इधर से देखिए, ये हो गया। फिर से एक फंदा यहाँ पे छोड़ दिया हमने, और यहीं से हो जाएंगे वापस। अब इसको उतार लेते हैं, तो यहाँ पे बस आपको यही करना है फ्रेंड्स, आपको एक एक फंदा छोड़ते जाना है, ठीक है, ना कोई फंदा बढ़ाना है ना कुछ करना। ऑलरेडी वो अपने आप वो जो बना हुआ है ना, आपको लग रहा है जो बड़ा वो बढ़ जाएगा। अभी देखिए यहाँ से सीधा, बस आपको एक एक फंदा सीधा बनाना है, जिससे कि चैन बन के आएगी। फिर से उल्टे साइड में यहाँ से एक फंदा उतार लेंगे अब उसको, ठीक है। पहला फंदा उतार लेना है आपको, ये देखिए हो गया। फिर से एक फंदा छोड़ दिया हमने, तो देखिए एक एक करके फंदे छोड़ते जाने हैं, और यहाँ से जो जैसे है उसको ऐसे बनाते जाना है। तो चलिए इतना बना लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं आगे, जब हमारे पास चार फंदे यहाँ पे बचेंगे ना तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना बना लिया, ये देखिए, और यहाँ पे एक एक करते हुए देखिए हमने इतने 10 फंदे जो है यहाँ तक के छोड़ लिए, चार फंदे हमारे पास ये बचे हुए हैं। तो देखिए क्या करना है, अभी भी वैसे ही छोड़ना है आपको, एक फंदा उतारा, देखिए 2, 3 बनाया, और एक फंदा ये छोड़ दिया, फिर यहाँ पे वापस यहाँ से इसको बनाया, इसको सीधा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक फंदा, अब 3 फंदे हमारे पास हैं, तो देखिए 1 इसको उतारा, 2 बना लिया, एक फंदा छोड़ दिया, 2 फंदे बचे हमारे पास। अब यहाँ से इसको बना लेते हैं, ठीक है, और इसको सीधा, ठीक है।
हो गया इतना। अब देखिए यहाँ पे हमारे एक एक करके सारे फंदे छूट चुके हैं, 14 फंदे। तो अब जैसे हमने फंदों को छोड़ा है वैसे अब हमें अपने फंदों को वापस ले जाना। बाकी देखिए ये फंदे जो आपको बना के दिखाए मैंने, देखिए बढ़े हुए फंदे लग रहे, लेकिन बढ़ा हुआ नहीं है ये, ठीक। तो अब बस हमारे यहाँ पे 2 फंदे हैं जिनको कि अब हम नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ से हमने जैसे एक एक फंदा छोड़ा है ना वैसे अपने फंदे को एक एक करके हमें लेते जाना है। तो यहाँ पर देखिए इसको उतारा, ये 2 फंदे, अब एक फंदा इसको उतार लेंगे तो यहाँ से वापस हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए अब इसको ऐसे उतार लेंगे और यहाँ से देखिए बना ले, अब इसको पीछे करके ये वाला फंदा जो है इसको सीधा, ठीक है। फिर अपने इस साइड आएंगे और यहाँ से देखिए फिर से अब ये फंदा इसको फिर से उतारा हमने, देखिए 2 3 ये हो गया। अब एक फंदा देखिए फिर से इसको उतारेंगे तो अब गैप है, तो यहाँ से एक फंदा आपको ऐसे उठा लेना है, उठाने के साथ इसका 2 का 1 करना है, ठीक है। फिर यहाँ से वापस तो गैप को आपको कवर कर लेना है, इसको उतार लेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जो जैसे हमने जैसे फंदों को छोड़ा था वैसे अपने फंदों को लेते जाना है, देखिए ठीक है। फिर इस साइड आएंगे और यहाँ से फिर से ये देखिए 1 2 3 4 ये हो गया। अब फिर से आप एक फंदा ऐसे उठा लेंगे, यहाँ से आप कोई भी एक फंदा जो आपको लगे देखिए उठा लेते हैं, यहाँ से गैप को भरना जरूरी है। ये देखिए 2 का 1 कर दिया, फिर से यहाँ वापस और यहाँ से जो जैसे है उसको ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपने जो फंदे हमने छोड़ के रखे हैं उनको हमें बारी बारी से उठाते जाना है एक एक करके, जो हमारे 14 फंदे हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी वजह से एक बार और दिखा देते हैं आपको, ये देखिए इसको उतार लिया, तो देखिए 2 3 4 5 5 फंदे हो गए। अब ये फिर से उतारेंगे हम एक, तो यहाँ पर देखिए गैप है तो गैप को कवर कर लीजिएगा यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे 2 का 1 करते हुए गैप को भर लेंगे, ठीक है। फिर से हम वापस होके जो जैसे है उसको ऐसे बना लेंगे, इसको उतार लीजिएगा और यहाँ से अब देखिए 6 फंदे हो गए, ये हो गए। अब इसको पीछे करके ये वाला फंदा जो है इसको हम हर बार सीधा बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करते हुए फ्रेंड्स आपको सारे फंदे जो है अपने उतार लेने हैं। तो चलिए यहाँ तक हम फंदों को उतार लेते हैं, ये वाला एक लास्ट पीला वाला जो फंदा बचेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी उसके आगे फिर आपको क्या करना है, ठीक है। तब तक आप भी ऐसे बिल्कुल एक एक करके उतारते चलिए फंदे को। तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक एक करते हुए देखिए 13 फंदे बना लिए, ठीक है। अब एक फंदा हमारे पास ये वाला जो है बचा हुआ, बाकी ये देखिए ये कुछ इस तरीके से सिकुड़ा हुआ दिखेगा, लेकिन ये सब कुछ सही हो जाएगा जब आपका पूरा ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए एक फंदा बचा है तो बिल्कुल वैसे उतारना है हमें जैसा अभी तक हमने 13 फंदों को बनाया। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल उल्टा उल्टा, देखिए हो गया। अब एक फंदा इधर इसको उतार लेना है, तो यहाँ पे देखिए हमारे येलो के सारे फंदे जो हैं बन चुके हैं। अब यहाँ से फिर हो जाएंगे वापस और यहाँ सीधी साइड से जो 14 फंदे इन 14 फंदों को हम बना लेंगे, ठीक है। देखिए कितने फंदे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इसको पीछे करके 14, ठीक है। यहाँ पे ये 14 फंदे हमारे बन गए। अब फिर से आ जाते हैं अपने इस साइड और यहाँ से देखिए अब हमारे ये सारे फंदे जो हैं 14 बन चुके हैं और ये पत्ती भी बन चुकी है। तो अब यहाँ से हमारा जो ये पिंक कलर है हमने बोला था यहाँ पे जो लगा है इसको हम यहाँ से यहाँ ले आएंगे, आप चाहिए तो बीच में फंसाते भी जा सकते हैं। अब देखिए हम क्या करें, अब येल्लो को हम यहीं पर छोड़ के रखेंगे, अब हम अपने पिंक कलर के ऊन को बिल्कुल लेते हुए चले जाएँगे। अब ये सारे फंदे जो हैं इनको हम पिंक से बनाएंगे, आपको ये वाला ऊन जो है थोड़ा सा लूज़ रखना है, ठीक है। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे बीच बीच में फंसाते हुए आइएगा, ठीक है। बाकी मैं देखती हूँ, देखिए मैंने ऐसे कुछ फंसाया हुआ है ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से लेते हुए आइए तो भी बन जाएगा आपका। अब यहाँ से जो 14 फंदे हैं अब इन 14 फंदों को हम पिंक कलर से बना लेंगे, येलो कलर से, येलो कलर वाले जो फंदे हैं उनको, और हमारे फिर से वही 28 फंदे हो जाएंगे। अब देखिए जब पत्ती कंप्लीट हो जाती है तो ऐसे करता। अब यहाँ पे देखिए गैप है तो यहाँ से अब हम येलो कलर का जो फंदा है इसको उठाएंगे, ये देखिए येलो कलर का उठा के यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे और ये वाले जो सारे पिंक कलर के फंदे हैं इनको भी हम बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो एक कली है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे सारे फंदों को नीचे तक बनाएंगे, ये देखिए ठीक है अभी पूरा नीचे तक हम बना लिए।
अब यहाँ से कुछ नहीं करना, अब आपको सीधी साइड पे आप हैं तो सीधी साइड जो जैसे है बिल्कुल वैसे करते हो। अब यहाँ पे हम उल्टा ही बनाएंगे, अभी वाला फंदा उल्टा ही बनेगा क्योंकि अब हम दूसरी कली की स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो सेम इसी की जैसे जैसे ये हमने आपको स्टार्टिंग्स बताया था बिल्कुल वैसे करके आपको फिर से ये वाली पत्ती बनानी है। तो यहाँ से यहाँ तक चलिए इसको हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड देखिए हमने सीधे साइड से एक सिलाई पूरा ऊपर तक बना लिया है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए क्या करना, फिर से आपको दूसरी पत्ती जो है वो स्टार्ट करनी है। और यहाँ पे ये जो आप सोच रहे होंगे कि ये टेढ़ा मेढ़ा दिखा, तो ये इससे कुछ नहीं होगा, जब जैसे ही आपकी पूरी कंप्लीट होती जाएगी, पत्तियाँ आपकी बनती जाएंगी, ये अपने आप ऑलरेडी ये सीधा होता जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर कोई भी झोल और कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, बिल्कुल आराम से बनाए तो ऐसे ही बनेगा। तो फिर से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमारा फिर से वैसे ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम दो फंदा ये स्लिप कराएंगे और यहाँ से दो फंदे छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए अब एक दो, ये दो फंदा हमने स्लिप करा लिया, ठीक है। अब स्लिप कराने के बाद अब देखिए यहाँ से जो जैसे है उसको ऐसे बनाते हुए नीचे से दो फंदे छोड़ेंगे। अब बिल्कुल स्टार्टिंग से जैसे मैंने आपको बताया था, अब बिल्कुल वैसे ही बनाते जाना है, ठीक है। सेम इसी के जैसे सारी पत्तियाँ बनेंगी और जब तक बिल्कुल राउंड नहीं हो जाता ना तब तक आपको बनाना है। और रही बात घटाने की, फंदे को कब हम कम घटाएंगे, तो फंदे देखिए जब आपके ये वाले बन जाएंगे ना, ये वाली पत्ती बन जाएगी, ठीक है। तो आप जो जिस कलर से उसी कलर से फंदे को घटा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तो बनाए दो फंदे यहाँ पर हमने छोड़ दिए, फिर यहाँ से वापस हो जाएंगे और यहाँ से फिर से जो जैसे है उसको ऐसे बनाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे करते हुए फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको पिंक वाला बताया, जब सारे फंदे दो दो करके छूट जाएंगे तो फिर जैसे हमने फंदों को छोड़ा वैसे बारी बारी से दो दो फंदों को लेते हुए बना लेंगे, ठीक। फिर हमारे फिर से 28 फंदे में से फिर हम 14 फंदे जो है अपने येलो कलर से बनाएंगे और जिस साइड को हमने बनाया है उसी साइड को आपको बनाना होगा, ठीक। साइड यही रहेगी आपकी। अब इधर से हम क्या करेंगे, दो दो फंदे छोड़ेंगे। बस पहली बार हमें क्या करना होता है कि दो फंदे स्लिप कराने होते हैं, उसके बाद अब हम दो दो फंदे ऐसे छोड़ते हुए बनाएंगे, ठीक है। अब इधर आ जाएंगे, इधर से फिर दो फंदे कम करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सेम जैसे हमने ये वाला अपना बना के रखा हुआ है, सेम इसी जैसे आपका ये वाला भी बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए बना लीजिए फ्रेंड्स, और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो से, तब तक के लिए नमस्कार।